कोई भी लड़की हो बढ़िया से बाप महतारी के मन से शादी कर, हमारा जैसे नत करे तो आज खुद खुद के मर रहे हैं हम, कौन है जिंदगी में हम जिया तरीके को हम जानते हैं। उस समय तो आप होश में नहीं थे जब प्यार हुआ था उससे, उस समय तो भाग कर शादी कर लिए। उस समय नहीं के लिए यहाँ पर नया लेटरिंग डिजिटल लेटरिंग आधुनिक युग की लेटरिंग बनवाए थे, लेकिन पत्नी प्रेमिका इनसे नाखुश रहती थी, इनको मार देती थी और उससे ये बहुत करते थे, प्यार करते थे जी, बहुत प्यार करते थे। किसी के कुछ के कमी नहीं करते थे, बोलती थी यही सामान लेकर आओ, जितना जल्दी बोलती थी उतने जल्दी लेकर आते थे, हमारे कुछ ना बुझल क्या कह लेने का ना कह ले। जो माँ बाप के राजामंदी पर शादी नहीं करते हैं हालत ऐसी ही हो जाती है। संविधान पर मत जाइए कि संविधान हाई कोर्ट ये बोलता है कि बालिग हो जाने पर किसी भी धर्म का हो शादी कर सकता है, इस पर मत जाइए, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही आप लोगों की बर्बाद होगी। प्रेम विवाह के बाद भागकर शादी करना और जीवन यापन करना ये कितना कठिन है, यहाँ पर हम आप लोग को जीता जागता सबूत दिखाएंगे। यहाँ पर अपने प्रेमिका के साथ घर छोड़कर भागे थे, लेकिन शादी के 9 साल हो गया, 2013 में ये शादी किए थे, प्रेम किए थे प्रेमिका से, अब प्रेमिका का घर यही 10 कदम की दूरी पर है। उस समय कुछ सोचने की क्षमता नहीं थी, अपने प्रेमिका से प्यार करते थे, घर से लेकर भाग गए, उसके बाद उधर ही शादी किए, उसके कुछ दिनों बाद घर पर आए, उसके बाद घर पर जीवन यापन करने लगे। लड़की के घर वाले भी राजी हो गए और इनके घर में तो भाई थे लेकिन अलग हो गए थे, अलग हो गए थे, कोई रोक टोक इनके ऊपर नहीं था। लड़की वाले के घर पे था तो लड़की वाले के घर उस समय लड़की के माँ बाप और भाई सब लोग उस समय छोड़ दिए थे, क्योंकि मेरी बेटी किसी के साथ भाग गई, और उसके बाद यहाँ पर लाकर जीवन यापन करने लगे। लेकिन जीवन यापन करने में बहुत इस समय कठिनाई हो रहा है, प्रेम विवाह में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ए क्या नाम है आपका? छविलाल राजभर। छविलाल राजभर हैं, उम्र इस समय कितना है? 32 साल है। आज से 9 साल पहले ये भागे थे, 23 साल उम्र होगा आपका उस समय जी। हाँ, इस समय इनकी बीबी जो है बच्चा भी हो गया है इनका, बच्चा भी हो गया जी। कितना? 9 साल के एगो लड़की, 8 साल के एगो लड़का, 7 साल के लड़का है, 6 साल के लड़का, तीन लड़का लड़की भी हो गए हैं, लेकिन जीवन यापन इन प्रेमी प्रेमिकाओं का सही से नहीं बीत रहा है। यहाँ पर देखिए, इस समय इनकी जो प्रेमिका थी, इनकी प्रेमिका के बाद वाइफ हो गई, बीवी बन गई, और उसके बाद इस समय यहाँ से वो भाग गई है। कई बार जहर खाने की धमकी भी दी थी और जहर खाई भी थी। जहर खाने के बाद ये उसे दवा भी कराए थे, बचाए थे, और इन दोनों की झगड़ा में, प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी की झगड़ा में यहाँ पर थाना भी आ चुकी है। ये सिवान जिले के घुटनी प्रखंड में पड़ता है, बरपलिया पंचायत है, कौन सा गांव है? सेलौर चट्टी है, सेलौर गांव बोला जाता है। और यहाँ पर आज कल का ये मामला है, कल 12 बजे करीब में यहाँ से इन ये जो प्रेमिका थी, इनकी पत्नी थी, बगल में इनके भाई घर वाले भी इस समय इनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग भाई इनका आया है और यहाँ से इनकी बीबी को लेकर कहीं चला गया है। इस समय इनको भी पता नहीं है, इनसे बात भी नहीं होता है। और जो बगल में घर है आपकी बीबी का, उन लोगों से आपका बात होता है? जी नहीं, एक उनका भतीजा है, लड़का है, उनको भी लिया कर गए थे वहाँ पर दवा वगैरह, सब उसको दवा वगैरह। इस समय उनके घर वालों को मालूम है कि नहीं कहाँ गए हैं वो लोग? बताता फौजन बताता तो गुड़गांव लेकर चल गए, अपना मेहरारू के बड़ी मार मरले बरन, सब बर्तन और कुचले बरन, तो गुड़गांव भागे बगैर उनको भाईओ गुड़गांव से भागा के लेकर आई लन शादी कैल, तो वही जो मरले कुचले बरन सगरी कैले बरन, तो उनका मेहरारू भाग के गई बड़ी वही जो गुड़गांव में, तो गुड़गांव में इनका लोग इनका के अपना झांसा में क्या पर बीको हमारे बाने रखवा उखड़ा के लिया के बोल बा इनका उनका भाई घर का पूरा सामान लेकर चली गई है, गहना वगैरह हर चीज, बकरी दे दल भरी अपना नैया। क्या बोल रहे थे? दो शादी, डबल शादी? हाँ, एक और शादी कैले रहा। कब? वो हमारा शादी से साल डेढ़ साल पहले शादी कैले रहा, तो जो उनका मर्द छोड़ देवन के भाग कर शादी की थी ना, वो घर के राजमंदिर से शादी भैले बियाह भैले उनका बाद हमारा संगे ये गलत कदम उठा ले लिया, हमारा संगे आ गई कोठा पर कह लगे तो हमारे बाप माता हमारे मार के मंगवा दी, भाई मार के मंगवा दी, हमारा कई बार क्यों ना लेके चलो 12 बजे रात खानी करके सब लेके चल देन, वो बार हमारे कुछ ना बुझल क्या कह लेने का ना कह, लेकिन अभी तक उनका बढ़िया से रखते नहीं, लड़का 3-12 सन बढ़िया से खियावत रही, आज हमारे सरकारी हॉस्पिटल से दवाइयों चले ला, ठीक बा, दवाई के पर्ची उर्ची सगरी फाट फूट देता रही, दवाई हमारे बिक देता रही, उसके बाद हमारे जब ना तो मार दे ली, जब ना तो इतना दे हमारे कमजोर, आ जब ना तब मार दियो कि पैसा कमा के लेकर इंकरे कर दे 10 रुपया कमाए 20 रुपया ऊपर से। उससे लगाव कब शुरू हुआ था? यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो प्रेमिका थी, इनके भागने के पहले दो उसका शादी हो गया था बाप माँ की राजामंदी से, लेकिन वहां से छूटा छूटी कैसे हो गया पति?
इससे पति एक मारते रहे हो जो। अच्छा, वहाँ पर भी पिछले जो पति था उसको भी मारती थी, लेकिन वहाँ से वो लोग भगा दिए। भगा दिए। यहाँ आने के बाद उससे आपको प्यार कैसे हुआ? हम सब सरस्वती पूजा में उधर गए थे, धीरे धीरे बोला चले बढ़ने लगा, बोला चले से धीरे धीरे उनसे दोस्ती हमको। उस समय प्यार बहुत था, प्यार हो गया। इस समय प्यार कहाँ गया? प्यार है उतने, हमारा बाल बच्चा से है उनसे भी प्यार है, लेकिन किस दबाव में वहाँ करो यहाँ से चले गए। प्यार खत्म क्यों हुआ? प्यार खत्म, अरे प्यार हमको खत्म कहाँ हुआ है, प्यार हम बच्चा है, खत्म हमारे यहाँ से नहीं खत्म हुआ। किस उधर से हमको बोलती है तुझको टीबी हो गया, ये है तू मर जाए, ये कर दे वो कर दे। अपने दम पर अपने भाई की शादी की है, बड़े भाई का शादी अपने ही दम पर किया है, उनको भी शादी नहीं करने देती थी, बोलती थी शादी मत करो ये वो दुनिया भर के। अब देखिए यहाँ से वहाँ तक ले हम भी बनवाए हैं, ये बनवाए लाइटिन बनवाए, लाइटिन में उसको भी नहीं जाने देती है, कल पर पानी नहीं भरने देती है और उसको भी। आपके भाई को, आपके भाभी को कल पे पानी नहीं भरने देती है, लाइटिंग में नहीं जाने देती है। अब देखिए ये अपने प्रेमिका पत्नी के लिए यहाँ इतना कुछ बनवाए हैं, ये भी बनवाए हैं, ये शायद पुराना है, और इधर पर्दे के उस तरफ इनकी भाभी और भैया रहते हैं, और इधर एक लैटरिंग है अपने पत्नी के लिए, यहाँ पर नया लैटरिंग, डिजिटल लैटरिंग, आधुनिक युग की लैटरिंग बनवाए थे, लेकिन पत्नी प्रेमिका इनसे नाखुश रहती थी, इनको मार देती थी। कैसे क्या झगड़ा होता था? एक मिनट, झगड़ा और किस बात को लेकर? कोई बात बोलते थे, तीन बार सोई होते थे, कोई बात बोलते थे तो ऐसा बात है, खाना बनाओ चाहिए करो वो करो, तेरे लोग नौकर है तो हम तो नौकर आए तो बना के देखो, तो है ना कर हो ना कर, दुनिया भर के हमारे उल्टा सीधा अपना माई के है ना, कोई बारे हो ना कोई बारे, दुनिया भर के गाली दिया, खूब हम परेशान हो जाए तो भाग के चल जाए। उस दिन पुलिस आई समझा बुझा के चल गए जब थाना, तो बाद में हमारा के लगे गोरी आवे तो हम चट्टी पर चल गए, तो हम एक लगे आए तो फिर गोरी आई हमारा के खुद हम ही हट जाए तो शांति हो जाए। अभी 11:30 बजे समझा के सर गई नहीं, 12 बजे करीब मैं जोर खा ले लिए जो तले उन्हें कहा जाने मन में कहा चौराहा पर सुतला नहीं आ गए नहीं घर आके जाते हैं तो जोर खा ले रहे ये कॉल पर आके जो जोर खेल रहे कॉल पर। बताइए आगे क्या हुआ? जोर खा ले आगे जाते हैं तो ये जोर के दीवा खोल के पी ले भरे, जोर के पी ले दीवा, तो हम बाद इनका लेके तुरंत मोटरसाइकिल से लेट ना कोई नहीं लेट करें कोई बात हो जाए तो फिर हमारा और दिक्कत बात, तीन तीन को बाल बच्चा में हमारे लोग शरीर बवे हमारा सब पोसा ना पैसा लेके हम का कहीं उनका तुरंत लेके भगनी सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल से हमारा रेफर पर्ची मिल गई तो सिवान लेके भागो, सिवान फिर धीरे धीरे ढेर बात बढ़े लगल तो कहीं अब एम्बुलेंस के 102 पर कॉल करो इति करो कहना बच्चा बाबू कहीं लेके भाग जाए, बच्चा बाबू कहीं लेके भगनी बाद लेके दवाई करें, दवाई के लेके बावजूद सही हो गई बाद में मामी बगल में बारी जाना वो कहे जहर खैले बारी रसर भी रही ठीक बात लेके बाबू दवाई कराओ, तो उठनी पटेल चौक पर जाके उनका दो बोतल पानी चढ़ल दवाई भी करो में इतना दवाई भी लेके हमें लेके अला के बाद में उनका के दिया गए बाद में खाना बनो में जा खोमी जा बढ़िया से रहो जाए बाद सांझे खान वे नौ टंकी गाड़ी गौरव जा करे वाला फिर ठान देता हम भी खिसी आके चल गई फुआ के फुआ के जब चल गए तो जैसा फोन एक को लाइन के पूछा तो फलाना मोर दमर कहाँ गोल कहाँ ना हम उन्हें सब फोन कर ठीक है 12 सौ तो ये बगल वाला कहलो ना कपड़ा उपड़ा बन के ये भागत ये दुकान ओकर भाई अलो तो बकरी तीन गो बारिश उठा लगे मान अपना घरे आ मेहरारू के ले जाके तारा जाता हूँ ये सब भागत पिपरा चौरा साथ में जाते हैं 12 बजे ये ताला वाला सगरी मार उड़ के फरार वो बस सब पता करते नहीं सर तो ये हो नहीं के कहाँ भैया तो गुड़गावा बगल से रिपोर्ट मिला था तो गुड़गावा ले जाके चल गए। यहाँ पर देख सकते हैं अपने भारत देश में संविधान भी बोलता है अगर बालिग हो गए हैं तो आप प्रेमी प्रेमिका किसी भी अंतर जातीय के भी होंगे किसी भी जात से आप शादी कर सकते हैं, लेकिन प्यार में शादी करने के बाद स्थिति ये हो जाती है। हम भी कई एरिया में घूम रहे हैं, कई जगह जा रहे हैं, बहुत लोग बुलाते हैं, जहां भी गए हैं प्रेमी प्रेम में जिसकी भी शादी हुई है हालत ऐसी हो जाती है, जो माँ बाप के राजामंदी पर शादी नहीं करते हैं हालत ऐसी ही हो जाती है। अब चल आज भी हमारे बाप माता तब ना दू जना बहन भाई लो कबू कबू लुगा उगा दे गरिया थोड़का है लुगा देता रहे करता रहे किन से जी है बहन को देते हैं तो बहन का बहन के भी देनी एगो लुगा बस्तर आवेली से कबू खान उतना तो अबो ना कर लेना कि कबू कब बोला आज ही असन तो ओकरो खाते 50 गाड़ी गड़ी आई कहाँ से देता क्या करता है ना करता वो ना करता दुनिया भर के, लेकिन अपना घर 5,000-10,000 रुपया देवे कोई तो एक वाला जब ये पूछ दे हम तो ऐसा ऐसा बात अपना भाई के 5,000 रुपया कहीं दे ले 10,000 रुपया कहीं दे ओकरो खाती हमारे का मार दी ओकरो खाती हमारे का परेशान कर दी बराबर हमारे का धमकी देता है बराबर मार दी पूरा गाँव माला तोला माला सबके जाना के ना कौन जिंदगी में हम जियत रहे हम जानते हैं। उस समय तो आप होश में नहीं थे जब प्यार हुआ था उससे, उस समय तो भाग कर शादी कर लिए, उस समय नहीं सोचे कि मेरे बड़े भाई हैं आप हैं काम करने का बड़े भाई हैं भाभी हैं, उस समय सोचे नहीं, उस समय लेकर भागे शादी कर ली, बाप माँ गार्जियन तो थे नहीं आपके जी।
इस समय पछतावा हो रहा है कि गलत कर दिए, गलत कदम उठा दिए जी, और 9 साल बाद पछतावा करने के बाद भी क्या लाभ, क्या मिलेगा, क्या क्या करेंगे आप? यही कहेंगे तो किसी भी कोई भी लड़की हो, मनिया से बाप महतारी के मन से शादी कर, हमारे जैसा नत करे तो आज कूद कूद के मर रहे हम, ऐसा हमारे जैसा कोई न ना करे ना कभी हो किसी के संग। ये भी हमारे पास 3-4 दिनों से कॉल कर रहे हैं कि आइए, मैं बहुत इस समय दर्द से जी रहा हूँ, मेरी बीवी भाग गई है, प्यार उससे ये बहुत करते थे, प्यार करते थे जी, बहुत प्यार करते थे, किसी के तो कुछ के कमी नहीं करते थे, बोलती थी यही सामान लेकर आओ, जितना जल्दी बोलती थी उतने जल्दी लेकर आते थे, सब पैसा कौड़ी उसी के हाथ में, अभी अब हमारा नाम पर खाता होता कोई नहीं, सब खाता होता है ATM होते हैं, सब उसी के नाम से चलता है, सब कुछ उसी के नाम से, अब एगो राशन कार्ड है 2 आदमी का नाम है, हमारा परिवार का भाई का, तो वो भी राशन नहीं लिया कर देती है इनको, बोलती है तो नहीं फिंगरे नहीं लगाएंगे तो कहाँ से उस तुम्हें को बड़े भाई का राशन मिलेगा, 10 किलो हमको मिलता है, 10 किलो उसको मिलेगा, तो हम फिंगर नहीं देंगे तो उसको राशन कहाँ से मिलेगा, वो भी कमाते हैं परिवार के, अपना खिलाते हैं, हम भी अपना किनते हैं परिवार के खिलाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर प्यार बीवी से करते थे, इसलिए इनके नाम से कोई भी बैंक में खाता नहीं, कमाते थे, मेहनत करते थे अपनी बीवी के लिए, और उसके बाद तो बच्चे हो गए, पहले बच्चे नहीं थे लेकिन पहले बीवी के लिए करते थे, उसके बाद बच्चे हो गए, फिर बच्चे के लिए करने लगे, साथ में बीवी के लिए भी करने लगे, यही थी कोनो बात ऐसा कमजोर बा कोनो बात हो जाए, 2 गो लड़का बार तो अपना पास सोच लिया, लेकिन लेके जाइए कोनो बात ऐसा हो जाए वो जो हमारे लड़की के LIC बा वैसे ओकर कुछ हो जाए, कुछ कमा के दो दे, कुछ कह दे, ओकर जिंदगी परवरिश से लग जाए, ओकर लड़की के अपना LIC चलावत नहीं, सब कुछ इनके लोग लेके सहेज के चलाते, लेकिन ये हालत में हमारा कबो ना कबो मार दी, कुछ ना कुछ बोल दी, दिन भर गरियावत रहे, और नहीं क्या विश्वास जाकर अगल बगल चार गो पूछ ले, और वो जाना घर के बगल में कहे उनको से पूछ ली क्या देखत हुई क्या करती है, इतना कुल कोई लगभग इतना खाल रहेगी, जब घर तब जब शादी ब्याह करे कम नहीं कहीं जाए घर में, आज अपना दम पर सगरी कहले बने अपना भाइयों से 1 रुपया नहीं खेले ले, सब जना के उनका भाई के ब्याह हो अपना से कहले बने, आई 2 गो रूम बनवा देने, लाइटिंग बनवा देने, आई कल भरवा देने, हमारा कही तो ई कल पर कही तो चला के पानी पिले, जब तबियत हमारे खराब है तो कहीं जाके चला के पी ले, तब कहीं वह सुविधा खत्म कर देने, मोटर लगवा देने, मोटर लगवाइले के बाद ये कब कब लड़की से पानी मंगवाएं तो कही जाके अपना तो छोड़ सा पैसा पानी ना दस रहे, अपना हाथ जाके गोरे आके जाके पी के आई, ऐना करी होना करी, इतना परेशान है आज ही हो गए एकदम। अब चलिए शुरू से लास्ट तक आप देखे यहाँ पर प्यार करने का नतीजा, किसी लड़की के पीछे दौड़ने का नतीजा, बिना माँ बाप से पूछे किसी लड़की को भगाकर शादी करने का नतीजा, अंत में क्या होता है यहाँ पर आप साक्षात देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगर माँ बाप राजी ना हो तो आप शादी ना करें, किसी लड़की को भागे मत, अपने माँ बाप से जरूर पूछे, माँ मैं या बाप मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, लड़की को भी अपने घर में जानकारी देना चाहिए, संविधान क्या कहती है इस पर नहीं देखना चाहिए, अंतरजातीय हो या कुछ भी हो, मुस्लिम बिरादरी को का हो, हिंदू बिरादरी का हो, लेकिन माँ बाप राजी हो तो आप शादी करिए, संविधान पर मत जाइए कि संविधान हाई कोर्ट ये बोलता है कि बालिग हो जाने पर किसी भी धर्म का हो शादी कर सकता है, इस पर मत जाइए, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही आप लोगों की बर्बाद होगी। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह दबंग 24 से, धन्यवाद।